में जिन उनकी लीलाओं की हम बातें करते हैं, वृंदावन इत्यादि, ऐसा है। आपको पता है आज भी ज्ञानी पुरुष कितने हैं जो वहां जाकर उस मिट्टी में लोटपोट होते हैं। उनको नहीं पता किस मिट्टी पर कहां पर भगवान चल कर गए थे, वृक्षों से आलंगन करते हैं। उनको क्या पता, उनको लगता है कौन सा ऐसा वृक्ष होगा जिस पर भगवान घूमे होंगे। पता तो नहीं है, क्या पता जिस वृक्ष पर आप हाथ रख के खड़े उसी वृक्ष को भगवान ने छुआ होगा। और वहां के लिए तो खास करके कहा जाता है, वहां देखिए तीर्थ स्थलों के लिए मैं खास करके कहूंगी। ऐसे तो हर जगह ही आपको सफाई रखनी चाहिए, देश आपका है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है जब विदेश से लोग आते हैं ना, बड़ी तारीफ करते हैं, और सबसे ज्यादा तारीफ किस चीज की होती है वहां पर? सफाई, सबसे ज्यादा तारीफ, बड़ी सफाई है, बड़ी सफाई है। तो मैंने उनसे पूछने का मन करता है कि आपने वहां पर कचरा फेंका? आप फेंक सकते हो आप विदेश जाओगे तो? क्यों, यहां तो फेंकते हैं। कानून भी है और वहां के लोग भी ऐसे हैं। वहां के लोग अपने देश को जल्दी से गंदा नहीं करना चाहते, और यहां पर देश को किसकी पड़ी है। वहां पर लोग भी वैसे हैं, वहां जल्दी से लोग कोई भी नीचे सामान नहीं फेंकता। और वही व्यक्ति जो यहां 10 चीजें फेंक रहा है, वहां एक चीज नहीं फेंकेगा, और फिर आकर कहेगा वहां इतनी सफाई है, तो तुमने भी तो रखी थी ना, तो यहीं रख लो। जो स्वभाव तुमने वहां किया वो स्वभाव अपने देश में कर लो, हो गई सफाई यहां पर भी। पर यहां ध्यान नहीं देते हम, सबको दूसरी चीज अच्छी लगती है, अपनी चीज सुधारना किसी को नहीं है। तो ऐसे तो मैं कहूंगी कहीं भी गंदगी ना करें, लेकिन खास करके तीर्थ स्थलों में। सबसे बड़ी बात, तीर्थ स्थलों को पिकनिक स्पॉट बना के मत जाइए। पिकनिक के लिए कमी नहीं है शहरों की, बहुत शहर है पिकनिक बनाने को, अच्छे अच्छे हैं। वहां जाइए, खूब आनंद लीजिए पिकनिक परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, जिनके साथ भी। पर तीर्थ स्थलों को पिकनिक बनाकर मत जाइए। हम वहां जा रहे हैं, चिप्स की पैकेट्स फेंक रहे हैं, पानी की बॉटल्स फेंक रहे हैं, अपने घर के मंदिर में फेंकते हो? बताइए, चिप्स की पैकेट खा के घर के मंदिर में जाकर फेंक कर आते हो? तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा मंदिर वो है, क्योंकि वहां सच में भगवान जन्म लिए हैं, वहां सच में भगवान रहे हैं। ये तो हमने बनाया है, वो तो सच में एक मंदिर है जहां भगवान आए, और वहां इतनी गंदगी। भगवान सोचते ये क्या है, अपने घर को बस साफ रखने के लिए मंदिर का नाम दिया है क्या, कि मेरा घर है, मेरा मंदिर है, इसीलिए साफ है, वरना जो असल का मंदिर उसको तो इतना गंदा कर रहे हो। वहां तो इतनी सफाई रखनी चाहिए, वहां का जो रज है उसको मस्तक पर बैठाना चाहिए, भगवान के पैरों की रज है वो, राधा जी के चरणों की रज है वो, यशोदा मैया के चरणों की रज है, नंद बाबा के चरणों की रज है, जिनकी इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं उनके चरणों की रज है वो। तो इसीलिए निवेदन है आप सभी से, उस रज की थोड़ी इज्जत करें जहां भगवान चले। आइए, जैसा मैंने कहा कि उस रज को तो मस्तक पर बैठाना चाहिए। आज जैसा मैंने कहा, ज्ञानी पुरुष आज भी जाते हैं तो उस रज में लोटपोट होते हैं, उनकी यही कोशिश होती है वो रज उनके माथे पर, आंखों पर, हाथों पर, पैरों पर, हर जगह लग जाए। हम भी यही प्रार्थना करते हैं